हाय दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मोबाइल में कॉल आने या जाने पर स्क्रीन लाइट बंद हो जाती है तो कैसे ठीक करेंगे। तो इसके लिए फ़ोन के सेटिंग्स में जाना है। अब थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर ऐप्स का ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब ऊपर ऐप मैनेजमेंट या ऐप्स का ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब देखिए जहाँ पर सभी ऐप्स रहते हैं उस सेटिंग में आ जाएंगे, इसी सेटिंग्स में आना है और अब नीचे आकर फ़ोन वाले ऐप को खोजना है जिससे फ़ोन लगाते हैं। तो यहाँ पर है ऐप, इस ऐप पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर फोर्स स्टॉप का ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और फोर्स स्टॉप कर देना है। इतना करने के बाद अब यहाँ पर स्टोरेज यूजेज या स्टोरेज का ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर क्लियर डाटा का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है और ओके कर देना है। ऐसा करने से कुछ भी डिलीट नहीं होगा, कोई नंबर डिलीट नहीं होगा। अब आना है बैक होम स्क्रीन पर। अब प्ले स्टोर को ओपन करना है और यहाँ पर सर्च करना है फ़ोन। तो जैसे ही फ़ोन सर्च करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा जिससे आप फ़ोन लगाते हैं, इस पर क्लिक करना है और यहाँ से चेक करना है कि अपडेट है कि नहीं है। अगर अपडेट नहीं रहेगा तो यहाँ से आप अपडेट कर लेना, देखिए हमने कर रखा है। तो इतना चेक करने के बाद अब आना है बैक। अब अपने फ़ोन को एक बार रीस्टार्ट करना है। कैसे रीस्टार्ट करेंगे, देखिए जो फ़ोन का पावर बटन है जिससे मोबाइल लॉक करते हैं, इस बटन को कुछ सेकेंड तक दबा कर रखना है। तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा रीस्टार्ट का, रिबूट नाम से भी हो सकता है। तो इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और जैसे ही फिर से क्लिक कर देंगे तो फ़ोन अपने आप ही स्विच ऑफ होकर स्विच ऑन हो जाएगा। इससे आपका कुछ भी डिलीट नहीं होगा और जो भी प्रॉब्लम रहेगी वो सही हो जाएगी। फिर कॉल आएगा तो स्क्रीन लाइट बंद नहीं होगी। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिए। धन्यवाद।